अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं ओमकार अनेक रूपों में होकर भी मैं रूपहीन हूँ, अनेक वर्णों में व्याप्त होने पर भी मैं वर्णहीन हूँ और अनेकानेक आकार में वास करने पर भी मैं निराकार हूं, मैं ओंकार हूं। भगवान शिव, माता पार्वती और देवर्षि नारद आदिवासी का भेष धारण कर आदिवासी नायक तरासू के अतिथि बने तो उसकी पुत्री तुमरु बने नारद पर मोहित हो गई। तरासू अपनी पुत्री के पूर्व मंगेतर का त्याग कर उसका विवाह तुमरु से करना चाहता है। तब तुमरु अदृश्य होकर सभी को चिंता में डाल देता है। अर्जुन और मल्लिका तरासू की पुत्री को तुमरु से मुक्त करने के लिए असत्य भाषण करते हैं तो उसका पिता पुनः उसका विवाह पूर्व मंगेतर से करने के लिए तत्पर हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर भी शिवलीला का प्रभाव व्याप्त है। नारायण नारायण। पृथ्वी, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, हर स्थान पर ओम नमः शिवाय गूंज रहा है। परंतु ऐसे में परमपिता ब्रह्मा जी की समाधि को भंग करना क्या उचित होगा? चलो नारद। बस तुम जैसा धैर्यवान भी यदि धैर्य खो बैठा है तो जो मूल रूप से अधीर है उनकी ऐसी स्थिति में क्या गति होती होगी? परमपिता आप तुम हमसे मिलने ब्रह्मलोक तक आए हो तो हमारी समाधि भंग होने तक तुम्हें धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। क्षमा करें परमपिता, मैंने आपका ध्यान भंग करना उचित नहीं समझा क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि आप समाधि में कब तक लीन रहेंगे। तो तुम लौट कर जा रहे थे नारद? क्या करता माता, आप दोनों ध्यान में लीन थे। पर नारद का ब्रह्मलोक में आकर बिना समाचार दिए और बिना चर्चा किए इस प्रकार लौट जाना क्या चर्चा का विषय नहीं बन जाएगा? क्या सुनने वाले आश्चर्य नहीं करेंगे? इसमें आश्चर्य कैसा माता? आश्चर्य है, तुम्हें लौट जाने में आश्चर्य प्रतीत नहीं हो रहा है? किसी को समझो नारद, आज तक घटित सत्य को भी जानो। माता मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। सरल सा सत्य नहीं समझ रहे हो? तुम जब जब ब्रह्मलोक में प्रकट होते हो तब तब कोई पवित्र व लोक कल्याणकारी उद्देश्य को लेकर ही आते हो। उद्देश्य को पूर्ण किए बिना तो कभी तुम लौटे ही नहीं हो। तो फिर आज कुछ कहे सुने बिना ही लौटे जा रहे थे? ये अचानक ऐसा परिवर्तन तुम में कैसे हुआ नारद? हमारी शिव आराधना को भंग न करके नारद ने उचित ही किया है देवी। कहो नारद, किस उद्देश्य से आए थे? आपको तो ज्ञात है परमपिता कि भगवान भोलेनाथ कैलाश का त्याग कर सहसा कहीं जाते नहीं, परंतु इस समय ऐसे अदृश्य हुए कि कहीं भी नहीं मिले। हे परमपिता, अब आप ही बताएं कि शिवशंकर कहाँ गए होंगे। नारद, शिव तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। सच्चा भक्त उन्हें अपने हृदय के मंदिर में पा लेता। हम ध्यान करते हुए इस समय उन्हीं के दर्शन कर रहे थे। आश्चर्य ये भी है कि तुम्हें उनके दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। परमपिता, शिव लीला के साथ साथ क्या आपकी लीला भी जुड़ी हुई है? कृपया आप विनोद न करें। भगवान भोलेनाथ के कैलाश से अचानक अदृश्य होने पर संपूर्ण शिव परिवार चिंतित है। नाथ, नारद की बातें सुनकर अब मैं भी शिव के विषय में जानने के लिए उत्सुक हो गई हूँ। कृपया बताएं कि वे कहाँ हैं? ये शिव के अवधूतेश्वर अवतार धारण करने की पूर्व भूमिका है। शिव अदृश्य रहकर भी कैलाश में ही अवधूतेश्वर के रूप में शीघ्र ही प्रकट होंगे। तत्पश्चात उनके द्वारा कई आश्चर्यजनक घटनाओं का सूत्रपात होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय देवगुरु बृहस्पति आज हमारी सभा में उपस्थित नहीं है। क्यों? देवराज, मैं भी उनकी अनुपस्थिति से आश्चर्यचकित हूं। वरुण देव, आपका क्या कहना है इस विषय में? देवगुरु बृहस्पति कहां है? मैं स्वयं अनभिज्ञ हूं देवराज, क्या कहूं? वे विगत अनेक दिनों से देव सभा में नहीं आए हैं। आना चाहिए उन्हें, देव गुरु है वो। देवगण को परामर्श देने के लिए उन्हें साथ में सदा यहां उपस्थित रहना है। हाँ देवराज, आए दिन देवगण पर संकट आते रहते हैं, उसके निवारण के लिए देव गुरु का परामर्श की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। ऐसे में देव गुरु को देव सभा में उपस्थित रहना नितांत आवश्यक है। इस सभा में उनकी उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य है, ये जाकर हमारा आदेश उन्हें सुना दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय दुरुपयोग का आपका यह आरोप कितना सत्य है यह निर्णय स्वयं करें, किंतु यह भी सत्य है कि गुरु से संभाषण करते समय जो विनम्रता और विनय अपेक्षित है वो आपकी वाणी में नहीं, आपके स्वर में देवाधिपति होने का अहंकार ध्वनित है और यही ध्वनि गुरु अपमान के स्वर निकाल रही है। अहंकार?
मेरे स्वर में अहंकार। शिव आराधना में बैठे साधक को, जो कि गुरु भी है, प्रश्नवाचक ललकार से जगाना क्या उचित है? इसे क्या अहंकार जनित व्यवहार नहीं कहेंगे? बुद्धिमान क्या इसे उद्दंडता नहीं कहेंगे? और क्या ये उचित है कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर ही ना दें, हमारे आदेश की अवहेलना करें? आदेश? अब शिष्य गुरु को आदेश देंगे? क्या गुरु को शिष्य के आदेश अनुसार व्यवहार करना होगा? अनीति का पक्ष लेकर पापाचार और अनाचार के प्रचार को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं देवराज? गुरु बड़ा होता है और उसी के आदेश का पालन करना पड़ता है। बड़ा कौन होता है, इसका निर्णय आपने स्वयं कर लिया? गुरु शिष्य में किसका स्थान ऊंचा होता है? यदि आप मुझे ये समझाने लगे तो आपको ये भी समझाना होगा कि पिता और पुत्र में बड़ा कौन है। इस विषय पर आपके विचार जानकर मुझे यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि भावी आशंका सत्य सिद्ध होगी। कौन सी आशंका? किस आशंका की बात आप कर रहे हैं? आपको ये ज्ञान नहीं है, पर मुझे ये ज्ञान है। इसीलिए प्रकट करना समय अनुकूल होगा कि स्वर्ग पर शीघ्र आ पड़ने वाले संकट से सुरक्षा हेतु हम शिव आराधना कर रहे थे। अब तो अपने गुरु के प्रति दुर्व्यवहार करके आपने इस शंका की पुष्टि भी कर दी है। पर इस बात से यह सिद्ध नहीं होता है कि आपका स्थान हमारे से ऊंचा है। हम स्वर्गाधिपति हैं, स्वर्ग में रहने वाले सभी हमारे अधीन हैं और हमारा आदेश मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नहीं, स्थिति सर्वथा ऐसी नहीं है। आपसे सम्मान पाने का अधिकार यदि हम खो चुके हैं तो स्वर्ग को त्याग करने में ही हमारा हित है। अब और अधिक आपकी उद्दंडता सहन करना हमारे लिए संभव नहीं। इसके उपरांत भी हम सदा सदा के लिए इस बात का निर्णय कर लेना चाहते हैं कि हम में से किसका स्थान ऊंचा है। हम आपसे सहमत हैं, पर इसका निर्णय भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव? वो निर्णय करेंगे? निष्पक्ष निर्णय वे ही करेंगे। ब्रह्मदेव क्या पक्षपात करेंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा, पर भगवान शिव का निर्णय सदा सर्वोपरि व सर्वप्रिय होता है। स्वीकार है, चलिए कैलाश चलते हैं। अवश्य। हम भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं, हट जाओ हमारे मार्ग से। ये तो बताओ कि तुम हो कौन? हमने कैलाश पर इससे पूर्व ऐसे नंग धड़ंग प्राणी को कभी नहीं देखा। जानते नहीं हो कि हम कौन हैं? हम हैं देव राजेंद्र और ये है देव गुरु बृहस्पति। बताओ कि शिव अपने समाधि स्थल पर हैं अथवा नहीं? हम दोनों उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। अरे दुर्मति, तेरे मुख में डिब्बा है भी कि नहीं? बार बार प्रश्न करने पर भी तू उत्तर क्यों नहीं देता? इतने समय से तूने मेरा मार्ग कारण भी नहीं बताता है, मुख से कुछ बोलता भी नहीं है। मैं तुझे इस कदा से इसी समय यही समाप्त कर देता हूं। ओम। सावधान देवराज, आपके अहंकार ने भगवान शिव की क्रोधाग्नि को उत्तेजित कर दिया है। इनसे क्षमा मांगकर इनके क्रोध को शांत करें। भगवान मुझे क्षमा करें, भगवान मुझे क्षमा करें, भगवान मुझे क्षमा करें। दीन रक्षक,
दीनानाथ महादेव, इंद्र आपके चरणों में नतमस्तक है, इसका अपराध क्षमा कर और अग्नि समेट ले भगवान, अन्यथा आपके ललाट से निकली हुई अग्नि इंद्र को जलाकर भस्म कर देगी। देव गुरु बृहस्पति, क्या सर्प अपनी त्यागी हुई केतुल पुनः धारण करता है? हम भी अपने ललाट से निकली अग्नि को पुनः कैसे ग्रहण कर सकते हैं? देवादि देव महादेव, आपके भक्त सदा ही आपकी कृपा के पात्र होते हैं। मैं भी आपका एक आराधक हूं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे शिष्य इंद्र को क्षमादान करें, उसकी रक्षा करें भगवान। बम बम मगड़ बम। देव गुरु बृहस्पति, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसीलिए वरदान देता हूं कि इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक और नाम जीव के रूप में प्रसिद्ध होगा। मेरे ललाट से निकली ज्वाला देवराज को अवश्य भस्म कर देगी, इसीलिए मैं उसे दूर छोड़ रहा हूं। क्षमा करे भगवान, क्षमा करे, क्षमा करे।